लोनी रोड के डीडीए फ्लैट्स में घुसा बारिश का पानी, पानी के साथ कीड़े भी पहुंचे ग्राउंड फ्लोर तक। लोगों का कहना बारिश के पानी की निकासी न होने पर घुसता है पानी। दिल्ली हिंसा में हुई युवक की हत्या के आरोप में 7 दोषी, 7 में से 2 आरोपितों पर चोरी का भी आरोप। दंगे के दौरान राजीव बिहार के युवक की हुई थी हत्या। शारदा में बारिश के बाद सड़कों की हालत खस्ता हाल, सड़कों पर भरा पानी, ड्रेनेज व्यवस्था विफल, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। खतरे के निशान से नीचे यमुना का जलस्तर, यमुना किनारे रहने वाले लोगों को खाली कराकर भेजा जा रहा है शेल्टर में। यमुना का पानी पहले से हुआ काफी कम। पूर्वी दिल्ली में बरसाती बीमारियों को लेकर ईस्ट एमसीडी सजग, डीसीबी कर्मचारी घर घर जाकर कर रहे हैं चेकिंग। कोरोना को देखते हुए लोग थोड़ा सहयोग करें, अपनी पानी की टंकी कूलर को करें साफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी के लोनी रोड स्थित डीडीए फ्लैट्स में बारिश का पानी घुसने से वहां रह रहे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ बरसात होने की वजह से जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। डीडीए फ्लैट्स ग्राउंड फ्लोर तक बारिश का पानी भर गया है। बारिश के पानी के साथ यहाँ बरसाती कीड़े भी घरों में घुसने लगे हैं। पानी घुसने से लोगों को घरों में रखा सामान भी खराब हो गया है। डीडीए फ्लैट्स को बने 30 साल हो चुके हैं, पर जलभराव की समस्या दूर नहीं हो सकी है। स्थानीय निवासियों की माने तो यहाँ पानी भरने का मुख्य वजह मेन सड़क से सोसाइटी का नीचा होना भी है, साथ ही इलाके में पानी निकासी का कोई सही विकल्प यहाँ पर नहीं है। दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कोर्ट ने 7 आरोपितों पर हत्या, गैर कानूनी समूह बनाने, उपद्रव करने, घातक हथियारों का उपयोग करने और साजिश रचने का आरोप तय किया है। इनमें से सिर्फ 2 आरोपितों पर चोरी का आरोप तय किया गया है। सभी आरोपितों ने खुद को बेकसूर बताते हुए ट्रायल की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने 7 आरोपितों पर हत्या, गैर कानूनी समूह बनाने, उपद्रव करने, घातक हथियारों का उपयोग करने और साजिश रचने का आरोप तय किया। चोरी का आरोप आरोपित कृष्णकांत धीमान और राहुल उपाध्याय पर तय किया गया। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद गवाह सबसे अच्छा सबूत माना जाता है, जब तक कि उस पर संदेह करने के लिए मजबूत कारण न हो। इस मामले में चश्मदीद गवाह कोई दुख नहीं था उसका, उसने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया था, जिससे प्रमाणित होता है कि वह मौके पर था। बीते वर्ष 25 फरवरी 2020 को दयालपुर की राजीव बिहार कॉलोनी में मोनिश नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसका मुकदमा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव जी की अदालत में चल रहा है। मामले में अदालत ने 7 आरोपियों पर हत्या का, गैरकानूनी हथियार रखने का, साजिश करने का, लूटपाट करने के इत्यादि धाराओं में आरोप तय किए हैं, जिसमें आरोपियों के वकील साहब ने यह तर्क दिया था कि यह सभी आरोप झूठे हैं, मामले के गवाह और सभी सबूत झूठे हैं और मामले की कोई वीडियो भी सामने नहीं आई है। इस पर अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जो जिस युवक को चश्मदीद गवाह बनाया गया है, उसने पुलिस कंट्रोल रूम में खुद 100 नंबर पर फोन किया है, जिससे स्थापित होता है कि वह मौके पर मौजूद था। इस पर अदालत ने निर्णय देते हुए कहा है कि जब तक किसी प्रकार से चश्मदीद गवाह के गवाही को डिस्क्रेडिट ना किया जाए, तब तक उसे सच्चा माना जाएगा और वह एक बुत नहीं है, उसने मौके पर खड़े होकर खुद पुलिस को इत्तला दी है, इसलिए यह सही है कि वो मौके पर मौजूद था। इसी आधार पर उनका आरोप तय किए गए। बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई हैं। बारिश के चलते ड्रेनेज व्यवस्था विफल नजर आ रही है। आपको बता दें शादरा की, तो शादरा में पिछले काफी समय से शादरा की मेन रोड काफी समय से खराब है। वहीं बारिश होने से बारिश का पानी गड्ढों में भर जाता है, जिससे आम लोगों को आने जाने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सड़क पर हादसे भी होते रहते हैं। भाई साहब, दिक्कत ही दिक्कत है, पानी निकला रहा 24 घंटे से यहाँ से, और हर टाइम पानी आ जा, और किसी टाइम कभी भी, आज तक हमने तो 10 साल हो लिए, हमने तो कभी ये ठीक देखी नहीं।
यहाँ से देख लो अब ये थोड़ी देर में पानी आ जाएगा दोपहर में। गाड़ी चलाने में तो बहुत तगड़ी दिक्कत है क्या ना मैं, और नुकसान ही होता है गाड़ी का, कभी पहिए कभी कमानी टूट गई कभी ये टूट गया, और आए दिन तो ना बैटरी इसके रोजाना पलटते हैं, दो तीन तो डेली के काम भी लगता है इसकी वजह से, अभी जाम बहुत हो जाता है ना पे। भाई सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है रोड पर, देख लो क्या हालत हो रही है यहाँ की, यहाँ गड्ढे पड्ढे दुनिया भर के हैं, और क्या है भाई पाइप यहाँ टूटी हुई थी यहाँ से वहाँ तक, और पाइप लगा हुआ था फिर दोबारा टूटा। ये ई रिक्शा पलटने का भी डर है, सवारी के चोट लगने का भी डर है, अपने को भी डर है, सारा कुछ है। कम से कम 2 महीने हो गए हमारे रिम टूट गए, गाड़ी खराब हो जाती है, 100 रुपये कमाते हैं 200 रुपये का खर्चा लगा के आ जाते हैं। बारिश के बाद यमुना में जल स्तर बढ़ा है, लेकिन फिर भी पानी खतरे के निशान से नीचे है। कृष्णानगर के पार्षद संदीप कपूर ने जाकर इलाके का दौरा किया और यमुना किनारे रह रहे लोगों को गीता कॉलोनी शमशान घाट में जाने के लिए कहा, जहां जरूरतमंदों के लिए टेंट लगवाए गए हैं। संदीप कपूर ने कहा कि यमुना का पानी पहले से काफी साफ भी हो गया है। यहां हम इस समय यमुना के किनारे खड़े हैं और आप देख रहे हो कि एकदम शांत और बिल्कुल साफ यमुना हमें दिख रही है। मैं लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी कोई ऐसा पैनिक ना फैलाएं। यमुना का जल स्तर जरूर बढ़ गया है, लेकिन खतरे के निशान से अभी काफ़ी नीचे है। यमुना के किनारे जो रहने वाले सभी नागरिक हैं, जो खासकर खेती करते हैं या पौधे लगाते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि अभी से ही थोड़े ऊंचे स्थान पर चले जाएं, और जिन्हें रहने की दिक्कत आ रही है वो अभी शमशान घाट गीता कॉलोनी के साथ ही हमने टेंट लगा दिए हैं, तो उनसे निवेदन है कि उन टेंटों में वो आ सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें, किसी तरीके का रिस्क ना लें और यमुना जो खादर का इलाका है इसे अभी खाली कर दें। पूर्व दिल्ली में बरसात खूब हो रही है। ईस्ट एमसीडी बरसाती बीमारियां डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को लेकर काफी सजग दिखाई दे रही है। निगम के डीसीबी कर्मचारी घर घर जाकर कूलर पानी की टैंकियों की चेकिंग कर रहे हैं, दवाइयां कूलर में डाली जा रही हैं जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जा सके। कई लोग कोरोना को देखते हुए डीसीबी कर्मचारी को घर में नहीं घुसने देते हैं। कंचन महेश्वरी ने कहा कि उन लोगों से अनुरोध है कि कर्मचारियों की चेकिंग में सहायता करें और खुद अपनी पानी की टंकी को ढक कर रखें, कूलर को समय समय पर साफ भी करते रहें। हमारे डीबीसी कर्मचारी प्रत्येक घर में जाकर डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के लिए वहाँ पे लोगों के कूलर चेक कर रहे हैं, पानी की टंकी चेक कर रहे हैं, छत पे भी जा रहे हैं, परंतु उनको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग अपने घरों में उनको एंट्री नहीं करने देते। यहाँ से डीबीसी कर्मचारी आ रहा है तो वो आपकी सुरक्षा के लिए आ रहा है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि डीबीसी कर्मचारियों को कूलर पानी की टंकियाँ और छतों पे अपना काम करने दीजिए। कोरोना से भी हम बचेंगे और साथ साथ डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया पे भी हम जीत हासिल करेंगे। पूर्व दिल्ली के ज्वालानगर में निजी एनजीओ और प्रशासन के द्वारा निशुल्क आधार कार्ड कैंप लगाया गया। कैंप में क्षेत्र के लोगों ने नए आधार कार्ड बनवाए और आधार कार्ड में होने वाली गलतियों को ठीक भी कराया। आयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड के लिए अभी भी लोग निजी दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। इस कैंप को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके क्षेत्र में ही आधार कार्ड बनवाने में सुविधा मुहैया कराना है, ताकि लोग एक जगह पर ही अपने आधार कार्ड और उसमें होने वाली गलतियों को ठीक करा सकें। उन्होंने बताया कि आगे प्रशासन की मदद से इस तरह के कैंप का आयोजन होता रहेगा। इसके अंदर नए आधार कार्ड बनवाने हैं या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करानी है या नाम के चेंजेस करानी है या बायोमेट्रिक डेमोग्राफी करानी है, तो वो यहाँ पे हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट फीस चार्ज लगती है वही चार्जेस है, ठीक है, सबके अलग चार्जेस है। जैसे न्यू है, न्यू के फ्री है, अगर डेमोग्राफी करानी है तो 50 रुपीज़ है, अगर कुछ चेंजेस कराने हैं डेमोग्राफी प्लस फुली बायोमेट्रिक कराने तो 100 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो, किसी का नाम करेक्शन कराना है, वो सारी सुविधाएँ यहीं हो रही हैं। और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अध्यक्ष जी का, विधायक जी के ऑफिस भी खुलवाया हुआ है हमने, ताकि वो अपना अटेस्ट करके देते रहेंगे कागज। नहीं, कोई चार्ज नहीं लेगा अभी। हम सुविधा ठीक दी, अच्छी सुविधा दी, और थोड़ा वो तो वेट करना ही पड़ेगा, बस डॉक्यूमेंट्स इसकी एंड डेट ऑफ बर्थ जो। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में स्कूलों के दोबारा खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली में अब तक स्कूलों को खोले जाने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। उधर दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोले जाने को लेकर रायशुमारी की है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के बीच पेरेंट्स का तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं पूर्व दिल्ली के पेरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि सभी अभी दिल्ली में स्कूल ना खोले जाएं जब तक कोरोना वायरस के मामले कम नहीं होते हैं और दूसरी लहर इतनी खतरनाक रही है और तीसरी लहर आने की संभावना अभी भी बनी हुई है।
आशा की किरण का कहना है कि जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक स्कूल न खोले जाएं। जहां तक बच्चों के स्कूलों का सवाल है, जो बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों के लिए अभी स्कूल खोले जाने चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध किया है, मैं चाहता हूं ये सत्र कम से कम बच्चों का उसी हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस में जाए। बड़े बच्चों की जहां तक शिक्षा का सवाल है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, अगर सरकार इन बच्चों के स्कूल खोलती है तो उसमें भी उनको कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और अभी तक वैक्सीनेशन का सवाल है कि बच्चों के लिए 18 प्लस से कम अभी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन भी नहीं कराया है। 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का पहले प्रबंध कराए सरकार, उसके बाद में कहीं जाकर वो पेरेंट्स के रिव्यू ले कि स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं। मेरा बेटा 4th क्लास में है, अगर सरकार स्कूल खोलती है तो मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूंगा, मैं अभी उसकी ऑनलाइन क्लासेस ही कैरी कराऊंगा। जब तक इस महामारी का प्रकोप कम नहीं हो जाता या बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तो बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं रहेगा, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो मेरे विचार से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। एक तरफ तो तीसरी लहर आने के पूरे चांसेस है और इस तीसरी लहर का अटैक सीधे बच्चों पर ही बताया जा रहा है, क्योंकि 18 साल से ज़्यादा उम्र के ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और बच्चों की वैक्सीन अब तक नहीं आई है। स्कूल उसी स्थिति में खुलने चाहिए जबकि या तो कोविड बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाए या वैक्सीनेशन पूरे भारत में हो जाए, उसी स्थिति में ही स्कूल खुलने चाहिए। एज अ पेरेंट मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल जब तक कोविड के एक थोड़े बहुत केस भी हैं तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए और बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ई कॉमर्स को लेकर एक कंपनी से बात की है। मेयर का कहना है कि खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मोबाइल फोन कंप्यूटर को कबाड़ी ले जाते हैं, उसे जलाकर पानी में फेंक देते हैं जिससे प्रदूषण होता है, जिसे रोकने के लिए निगम ने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सकेगा। कंपनी के लोग आकर इन गैजेट्स को ले जाया करेंगे, उनका ठीक से यूज कर सकेंगे जिससे पॉल्यूशन ना हो। जब ये चीजें यूज होती है तो वेस्ट भी होती है, खराब भी होती है। बहुत से अनऑथराइज सेक्टर्स जैसे कबाड़ी हैं, दूसरे लोग हैं, इनको उठा के ले जाते हैं, इनको तोड़ते फोड़ते हैं, इनको जलाते हैं। जब इनको जलाते हैं तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए EDMC ने पहल की है। जो इस वेस्ट को समाप्त करने वाले हैं, जो रुचि रखते हैं, ऐसी हमने कंपनियों को बुलाया, उनसे बातचीत की और उस बातचीत करने के बाद एक कंपनी हमारे पास आई। वो कंपनी जो भी व्यक्ति अपनी ई वेस्ट देना चाहेगा वो इसको ऐप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, EDMC वेबसाइट के माध्यम से वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। ये कंपनी जहाँ पे वो व्यक्ति कहेगा वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे जाने के बाद चाहे उसका अपना निवास हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, वहाँ जाएगी, उसकी ई वेस्ट को लेगी, उससे पहले उससे करार करेगी इसकी कीमत क्या है। उसके पीछे EDMC नहीं है, उसका जो आपका समझौता हो जाएगा ई वेस्ट को कंपनी ले जाएगी और कंपनी अपने यहाँ ले जाकर उसको समाप्त करेगी। जीवन में सच्चे दोस्त की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि बाकी सभी रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो व्यक्ति खुद बनाता है। ऐसे में जीवन की खुशियों से भरा बनाए रखने के लिए दोस्तों का साथ होना बेहद ज़रूरी होता है। शकरपुर में फ्रेंडशिप डे के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने काफ़ी वृक्ष लगाए हैं और दोस्ती का संदेश भी दिया है। हमने जो यहाँ जो पौधे लगाए हैं, नीम के लगाए हैं, पीपल के लगाए हैं, जामुन के लगाए हैं, अशोक के पौधे लगाए हैं, इस तरह तकरीबन हमने 10 से 15 पौधे हमने लगाए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो पौधे लगाए हैं ये आगे जो है विश्व को और पर्यावरण को अच्छा बनाए। आज हम दोस्ती दिवस के अवसर पर पेड़ पौधों से दोस्ती निभाते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं ताकि वह आगे चलकर हमें भरपूर ऑक्सीजन एवं शुद्ध वातावरण प्राप्त करें। पौधों के साथ दोस्ती के नाते एक फ्रेंडशिप पौधों के साथ की है और यहाँ पे आज हमने वृक्षारोपण किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पीपल, नीम तथा अन्य प्रकार के जो औषधि के पेड़ होते हैं वो पेड़ लगाए हमने। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।